बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। ये मैंने 3 प्याज लिए दरमियाने साइज के, तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा। इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। ये प्याज आपने इस तरह से काटने हैं बारीक। अब इसमें मैं डालूंगी ये बेसन, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा कम है, 1/2 कटोरी। ये भी बेसन भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं ये डालती हूँ पाउडर मसाले, नमक। ये आपने यानी कि बेसन और प्याज के मुताबिक ये आपने डालने, अपने टेस्ट के मुताबिक। ये 1 चम्मच धड़ा मिर्च, ये आधा चम्मच काली मिर्च, जीरा, सोना लग गया है, ये खुश्क धनिया साबत, ये मसल के मैंने डाला है, और ये सब्ज धनिया। अब इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। अब मैं हाथ की मदद से करूंगी मिक्स। और पानी डालूंगी। ये बैटर देखें तैयार हो गया, मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये बेसन फूलता है ना, तो इससे फिर ये पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तब रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ये देखें बैटर तैयार हो गया। तो बनाते हैं और डाल के पैन रख दिया ऊपर। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं ये डालती हूँ, और मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। अब मैं चम्मच की मदद से डालती हूँ, चम्मच के साथ।
अब बदलते हैं इनकी फैट। माशाल्लाह से ये देखे कितने फूट फूट के बने। बेसन थोड़ी देर भिगो के रखे ना, जब भी पकौड़े बनाने हो 10-15 मिनट को रख दे बैटर बना के, तो फिर बनाए तो ये बहुत ही नरम बनते हैं मज़े के। अब मौसम आ रहा है इन चीज़ों का, चाय के साथ पकौड़े हों, जो 4 बजे की चाय पीते हैं शाम को पीते हैं तो फिर दिल करता है कि चाय के साथ कैसी चीज़ हो, तो फिर ये घर में ये चीज़ें तो होती हैं तो बना ले, और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। फ्राई हो गया है, अब इनको निकालते हैं। ये देखे माशाल्लाह से कलर, बाकी भी मैं सारे इसी तरह बना लेती हूँ। अब बोलो। ये देखे अंडे प्याज और बेसन के पकोड़े हो गए हैं तैयार, और माशाल्लाह से कलर देखे इनका कितना खूबसूरत है, तो पकौड़े भी बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी ऐसे बनाए, ये दे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें, बेल लगन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप तक जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।